आज के इस वीडियो में साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट का कंसेप्ट हम लोग जानेंगे। साधारण ब्याज का अंग्रेजी वर्ड होता है सिंपल इंटरेस्ट। साधारण का अंग्रेजी वर्ड हो गया सिंपल, ब्याज का हो गया इंटरेस्ट, अर्थात साधारण ब्याज का अंग्रेजी वर्ड हो गया सिंपल इंटरेस्ट। अब साधारण ब्याज में सबसे पहले हम लोग देखेंगे मूलधन, मूलधन प्रिंसिपल। मूलधन का डिफिनेशन पहले क्या होता है, मूलधन का डिफिनेशन क्या होता है, उधार ली गई राशि को मूलधन कहते हैं। उधार ली गई राशि को मूलधन कहते हैं। किसी साहूकार या बैंक से उधार ली गई राशि को मूलधन कहते हैं। मूलधन का डिफिनेशन हो गया उधार ली गई राशि को, उधार ली गई राशि को, उधार ली गई राशि को मूलधन कहते हैं। उधार ली गई राशि को मूलधन कहते हैं। अब मूलधन का अंग्रेजी वर्ड प्रिंसिपल में पहला लेटर हो गया पी, अर्थात मूलधन को संक्षेप में पी से सूचित किया जाता है। मूलधन को, मूलधन को संक्षेप में, मूलधन को संक्षेप में पी से सूचित किया जाता है। पी से सूचित किया जाता है। उधार ली गई राशि को मूलधन कहते हैं। मूलधन को संक्षेप में पी से सूचित किया जाता है। मूलधन के बाद हम लोग देखेंगे समय, समय का अंग्रेजी वर्ड हो गया टाइम। कर्ज की राशि, कर्ज की राशि कर्जदार द्वारा जितने समय तक रखी जाती है उसे समय कहते हैं। जैसे राम ने SBI बैंक से 5 वर्ष के लिए मूलधन की राशि ली थी, अर्थात समय का अवधि यहाँ पे 5 वर्ष हो रहा है। कर्जदार द्वारा कर्ज की राशि जितने समय तक रखी जाती है उसे समय कहते हैं। कर्ज की राशि कर्जदार द्वारा जितने समय के लिए, कर्ज की राशि कर्जदार द्वारा जितने समय तक रखी जाती है, उसे समय कहते हैं, समय का डिफिनेशन हो गया कर्ज की राशि कर्जदार द्वारा जितने समय तक रखी जाती है उसे समय कहते हैं। समय का अंग्रेजी वर्ड हो गया टाइम और टाइम का पहला लेटर हो गया टी, इसीलिए समय को संक्षेप में, टी से सूचित किया जाता है। समय को संक्षेप में, टी से सूचित किया जाता है, समय, का डिफिनेशन हो गया कर्ज की राशि कर्जदार द्वारा
जितने समय तक रखी जाती है उसे समय कहते हैं। समय का अंग्रेजी वर्ड हो गया टाइम, टाइम का पहला लेटर हो गया टी, समय को संक्षेप में टी से सूचित किया जाता है। आगे हम लोग पढ़ेंगे दर, दर दर का अंग्रेजी वर्ड हो गया रेट, दर अर्थात रेट। प्रति 100 रुपया पर प्रति वर्ष दी जाने वाली राशि को ब्याज की दर कहते हैं। प्रति 100 रुपया पर, प्रति 100 रुपया पर प्रति वर्ष दी जाने वाली राशि को, दी जाने वाली राशि को दी जाने वाली राशि को ब्याज की दर कहते हैं, ब्याज की दर कहते हैं। दर का डिफिनेशन हो गया प्रति 100 रुपया पर प्रति वर्ष दी जाने वाली राशि को ब्याज की दर कहते हैं। दर का अंग्रेजी वर्ड हो गया रेट, रेट का पहला वर्ड, रेट वर्ड का पहला लेटर हो गया आर, अर्थात पहला लेटर आर होने के कारण दर को आर से सूचित किया जाता है, दर को आर से सूचित किया जाता है, दर को आर से सूचित किया जाता है। अगला टॉपिक हो गया ब्याज, अंग्रेजी वर्ड हो गया इंटरेस्ट, आई एन टी ई आर ई एस टी। ब्याज का अंग्रेजी वर्ड हो गया इंटरेस्ट, ब्याज का अंग्रेजी वर्ड हो गया इंटरेस्ट। मूलधन के अतिरिक्त जो राशि भुगतान करना पड़ता है उसे ब्याज कहते हैं। मूलधन के अतिरिक्त जो राशि भुगतान करना पड़ता है उसे ब्याज कहते हैं। अर्थात किसी बैंक से 5,000 का लोन लिया गया लेकिन 2 वर्षों के बाद उसे 6,000 रुपया भुगतान करना पड़ा तो ब्याज की दर वहाँ हो गया 1,000 रुपया, क्योंकि मूलधन लिया गया था 5,000 रुपया लेकिन भुगतान करना पड़ा 6,000 रुपया, अतिरिक्त राशि वहाँ पे लग गया 1,000, अर्थात ब्याज हो गया 1,000। तो मूलधन के अतिरिक्त जो राशि भुगतान करना पड़ता है, जमा करना पड़ता है उसे ब्याज कहते हैं। मूलधन के अतिरिक्त जो राशि भुगतान करना पड़ता है, उसे ब्याज कहते हैं, मूलधन के अतिरिक्त जो राशि भुगतान करना पड़ता है उसे ब्याज कहते हैं। ब्याज का अंग्रेजी वर्ड हो गया इंटरेस्ट, इंटरेस्ट का पहला लेटर हो गया आई, अर्थात ब्याज को संक्षेप में आई से सूचित किया जाता है, ब्याज को संक्षेप में आई से सूचित किया जाता है। अगला टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे साधारण ब्याज, साधारण
ब्याज, अंग्रेजी वर्ड हो गया सिंपल इंटरेस्ट, एस आई एम पी एल ई सिंपल इंटरेस्ट, आई एन टी ई आर ई एस टी इंटरेस्ट। साधारण ब्याज का अंग्रेजी वर्ड हो गया सिंपल इंटरेस्ट। यही मेरा टॉपिक भी था, साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट को समझने से पहले हम लोग मूलधन, समय दर और ब्याज को समझ चुके हैं। मूलधन को पी से सूचित किया जाता था, समय को टी से, दर को आर से और ब्याज को आई से। अब साधारण ब्याज का डिफिनेशन है, यदि मूलधन पर प्रति वर्ष ब्याज परिकलित किया जाए अर्थात जोड़ा जाए तो उसे साधारण ब्याज कहते हैं। यदि मूलधन पर प्रति वर्ष ब्याज परिकलित किया जाए अर्थात जोड़ा जाए तो उसे साधारण ब्याज कहते हैं। यदि मूलधन पर प्रति वर्ष ब्याज परिकलित किया जाए तो उसे साधारण ब्याज कहते हैं, तो उसे साधारण ब्याज कहते हैं, तो उसे साधारण ब्याज कहते हैं। यदि मूलधन पर प्रतिवर्ष ब्याज परिकलित किया जाए तो उसे साधारण ब्याज कहते हैं। साधारण ब्याज को संक्षेप में एस आई से सूचित किया जाता है। साधारण ब्याज को संक्षेप में एस आई से सूचित किया जाता है। साधारण ब्याज को संक्षेप में एस आई से सूचित किया जाता है। अगला टॉपिक है मिश्रधन अमाउंट। अगला टॉपिक हो गया मिश्रधन अमाउंट, ए एम ओ यू एन टी। डिफिनेशन हो गया मूलधन तथा ब्याज के योगफल को मिश्रधन कहते हैं। मूलधन तथा ब्याज के योगफल को मिश्रधन कहते हैं। मूलधन तथा ब्याज के योगफल को मिश्रधन कहते हैं। मिश्रधन को संक्षेप में ए से सूचित किया जाता है। इसे संक्षेप में ए से सूचित किया जाता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि मिश्रधन को संक्षेप में ए से सूचित किया जाता है। मिश्रधन का परिभाषा हो गया मूलधन तथा ब्याज के योगफल, अर्थात इसका फॉर्मूला हो जाएगा मिश्रधन बराबर मूलधन
अजोड़ ब्याज। मिश्रधन बराबर मूलधन अजोड़ ब्याज। इससे तीन फॉर्मूला क्रिएट होगा। अगर मूलधन का फॉर्मूला निकालेंगे प्लस ब्याज इसे डायगा साइड चेंज होगा तो माइनस हो जाएगा, अर्थात मूलधन बराबर हो जाएगा मिश्रधन घटो ब्याज। मूलधन बराबर फॉर्मूला हो जाएगा, मूलधन बराबर मिश्रधन मिश्रधन घटो ब्याज। यदि हम ब्याज का फॉर्मूला निकालेंगे तो ब्याज बराबर हो जाएगा मिश्रधन माइनस मूलधन, मिश्रधन माइनस मूलधन। अर्थात यहां से तीन फॉर्मूला क्रिएट हुआ। पहला मिश्रधन बराबर मूलधन जोड़ ब्याज, दूसरा मूलधन बराबर मिश्रधन घटो ब्याज, और तीसरा फॉर्मूला हो गया ब्याज बराबर मिश्रधन माइनस मूलधन। यहां से तीन फॉर्मूला क्रिएट हुआ, मिश्रधन बराबर मूलधन जोड़ ब्याज, मूलधन बराबर मिश्रधन घटो ब्याज, और ब्याज बराबर मिश्रधन घटो मूलधन। अगला टॉपिक में हम लोग कुछ सूत्र को देखेंगे। सूत्र फॉर्मूला एफ ओ आर एम यू एल ए। साधारण ब्याज का फॉर्मूला होता है साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुना समय गुना दर बटे 100, या ब्याज बराबर भी कह सकते हैं मूलधन गुना समय गुना दर बटे 100। साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुना समय गुना दर बट्टे में 100। साधारण ब्याज का फॉर्मूला हो गया मूलधन गुना समय गुना दर बट्टे 100। सेकेंड फॉर्मूला मूलधन बराबर ब्याज गुना 100, बट्टे में समय गुना दर, तीसरा फॉर्मूला हो जाएगा समय बराबर ब्याज गुना 100, बट्टे मूलधन। यहां देखिए समय गुना दर आया, मूलधन तो यहां आ गया तो समय गुना दर, समय यहाँ पे आ गया तो मूलधन गुना दर, अर्थात समय बराबर फॉर्मूला हो गया ब्याज गुना 100 बटे मूलधन गुना दर। चौथा फॉर्मूला हो गया दर बराबर ब्याज गुना 100, बटे मूलधन गुना समय, यह चार फॉर्मूला है। पहला फॉर्मूला साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुना समय गुना दर बटे 100। सेकेंड फॉर्मूला मूलधन का हो गया ब्याज गुना 100 बटे समय गुना दर। तीसरा फॉर्मूला समय बराबर हो गया समय बराबर ब्याज गुना 100 बटे मूलधन गुना दर। और चौथा फॉर्मूला दर का हो गया दर बराबर ब्याज गुना 100 बटे मूलधन गुना समय। पहला क्वेश्चन हो गया 3000 रुपया पर 6% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष का ब्याज होगा। सबसे पहले यहाँ मूलधन की राशि 3000 है, मूलधन बराबर 3000 रुपया, 6% वार्षिक ब्याज की दर, अर्थात दर का मान दिया हुआ है 6%, 6% की दर से 3 वर्ष का ब्याज। समय कितना दिया हुआ है 3 वर्ष, समय बराबर हो गया 3 वर्ष। मूलधन प्राप्त है 3000 रुपया,
दर 6%, समय 3 वर्ष, साधारण ब्याज ज्ञात करना है। साधारण ब्याज इक्वल टू फॉर्मूला होता है साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुना समय गुना दर बट्टे 100, मूलधन गुना समय गुना दर बट्टे 100। साधारण ब्याज का फॉर्मूला हो गया मूलधन गुना समय गुना दर बट्टे 100। यहाँ मूलधन का मान हो गया 3000 रुपया, गुना समय का मान हो गया 3 वर्ष और दर का मान है 6%, बट्टे में 100। 00 से 00 कैंसिल, 3 × 9 = 54, 540 रुपया, अर्थात साधारण ब्याज का मान हो गया 540 रुपया। 3000 रुपया पर 6% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष का ब्याज हो गया 540 रुपया। क्वेश्चन सेकेंड है, कितने धन का साधारण ब्याज 6% की दर से 5 वर्षों में 750 रुपया हो जाएगा। कितने धन का अर्थात मूलधन दिया हुआ नहीं है, मूलधन बराबर व्हाट, कितने धन का साधारण ब्याज अर्थात मूलधन का मान दिया हुआ नहीं है ज्ञात करना है। 6% की दर से दर का मान हो गया 6%, 6% की दर से 5 वर्ष में अर्थात समय बराबर हो गया 5 वर्ष, 5 वर्ष में 750 रुपया हो जाएगा, अर्थात ब्याज का मान दिया हुआ है ब्याज बराबर 750 रुपया। ब्याज का फॉर्मूला होता है मूलधन गुना समय गुना दर बटे 100। ब्याज का फॉर्मूला हो गया मूलधन गुना समय गुना दर बटे में 100 बराबर में 750 रुपया। मूलधन का मान यहाँ पे दिया हुआ नहीं है, मूलधन गुना समय, समय का मान दिया हुआ है 5 वर्ष और गुना दर, दर का मान यहाँ पे दिया हुआ है 6% बटे में 100 बराबर में 750 रुपया। यहाँ 5 से कट जाएगा, 20 × 5 = 100, 2 × 2 = 6, 2 × 2 = 20, अर्थात मूलधन का मान निकालेंगे तो मूलधन बराबर RHS में है 750 रुपया और गुना LHS में है 3/10, 3/10 साइड चेंज होगा तो 10/3, 3 से कट जाएगा, 25 × 75, 250 और गुना 10, 250 और गुना 10, 250 को 10 से गुना करेंगे 2500 रुपया निकल गया, अर्थात मूलधन का मान निकल गया 2500 रुपया। अगला क्वेश्चन नंबर 3, कितने प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से 400 रुपया का ब्याज 4 वर्षों में 80 रुपया हो जाएगा। इसको हल करते हैं, कितने प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से, अर्थात दर दिया हुआ नहीं है, दर बराबर वाट, कितने प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से 400 रुपया का ब्याज, 400 रुपया का ब्याज अर्थात मूलधन दिया हुआ है 400 रुपया, मूलधन बराबर हो गया 400 रुपया, ब्याज 4 वर्षों में, समय का मान दिया हुआ है 4 वर्ष, समय का मान हो गया 4 वर्ष, 4 वर्षों में 80 रुपया हो जाएगा। ब्याज कितना रुपया हो जाएगा, 80 रुपया, ब्याज का मान कितना हो गया, ब्याज का मान हो गया 80 रुपया।
ब्याज का यहाँ फॉर्मूला हो जाएगा, ब्याज बराबर फॉर्मूला हो जाएगा मूलधन गुना समय गुना दर बटे 100। ब्याज का यहाँ फॉर्मूला हो जाएगा मूलधन गुना समय गुना दर बटे 100। मूलधन गुना समय गुना दर बटे 100 बराबर में कितना रुपया दिया हुआ है? 80 रुपया। मूलधन का मान यहाँ प्राप्त है 400 रुपया, समय का मान यहाँ प्राप्त है 4 वर्ष, दर का मान यहाँ पे खाली है, दर ही लिख देंगे, बट्टे में 100 बराबर में 80 रुपया। यहाँ 00 से 00 कट गया, 4 × 16 अगुना दर, 16 अगुना दर बराबर 80 रुपया। यदि हम यहाँ पे दर का मान निकालेंगे 16 गुना में है, साइड चेंज होगा, भागा में चल जाएगा, अर्थात दर बराबर हो जाएगा, दर बराबर 80, यहाँ 16 है गुना में, 16 आ गया भागा में, 16 से 80 को काटेंगे, 5 बार में कट गया, अर्थात इसका मान हो गया 5%। ब्याज का फॉर्मूला मूलधन गुना समय गुना दर बटे 100 बराबर 80 रुपया। मूलधन का मान 400 रुपया, समय का मान 4 वर्ष, दर नहीं है तो दर लिख दिए, बटे में 100, 00 से 00 कट गया, 4 × 16 गुना हो गया दर बराबर 80 रुपया। दर का मान निकाले 16 है गुना में, 16 आ गया भागा में, 80 में भागा दिए 16 से 5। अगला क्वेश्चन नंबर 4, किस वार्षिक ब्याज की दर से कोई धन 25 वर्षों में तिगुना हो जाएगा? किस वार्षिक ब्याज की दर से कोई धन 25 वर्षों में तिगुना हो जाएगा? अर्थात यहाँ मूलधन मालूम नहीं है, मान लेंगे, माना कि मूलधन की राशि 100 रुपया है, माना कि मूलधन बराबर 100 रुपया, 25 वर्षों में तिगुना हो जाएगा, अर्थात समय का मान दे दिया है, समय बराबर 25 वर्ष, तिगुना हो जाएगा, अर्थात मिश्रधन का मान दिया हुआ है, मिश्रधन तिगुना, तिगुना तो 100 रुपया का तिगुना करेंगे, अर्थात अभी 100 है, अब 25 वर्षों में तिगुना हो जाएगा, तो तिगुना हो जाएगा अर्थात 300 रुपया हो जाएगा। अब ब्याज का मान निकालेंगे, तो ब्याज बराबर फॉर्मूला भी हम लोग पढ़ चुके हैं मिश्रधन में, ब्याज बराबर फॉर्मूला मिश्रधन अघटो मूलधन, मिश्रधन अघटो मूलधन, मिश्रधन घटो मूलधन। यहाँ मिश्रधन का मान 300 रुपया है माइनस मूलधन का मान 100 रुपया है, 300 में से 100 घटाए 200 रुपया, अर्थात ब्याज का मान निकल गया 200 रुपया। किस वार्षिक ब्याज की दर से, अर्थात हमको पूछा जा रहा है किस वार्षिक ब्याज की दर से, पूछा जा रहा दर कितना होगा, दर का फॉर्मूला होता है दर बराबर ब्याज गुना 100, ब्याज गुना 100 बटे मूलधन गुना समय, ब्याज गुना 100 बटे मूलधन गुना समय। यहाँ ब्याज का मान हो गया 200 रुपया गुना 100 बटे में मूलधन, मूलधन का मान माने हैं 100 रुपया गुना समय, समय का मान हो गया 25 वर्ष, 100 से कट गया 100, 25 से काटेंगे 200 को, 25 × 8 = 200, अर्थात कितना निकल गया मान 8। यहाँ दर पूछा जा रहा है इसीलिए आठ में लगा देंगे 25।